आज एहद करते हैं हम झंडा निकालेंगे आज से केपीके में तमाम पे फर्ज है अपनी गाड़ियों पे पीटीआई के झंडे लगाओ अपने घरों पे लगाओ अपनी दुकानों पे लगाओ कोई आपके झंडे पे हाथ डाले तो गिरेबान से पकड़ो अब हक का अब जरा कुछ बातें कर लेते हैं ताकि खान का पैगाम आपके तवसुत से पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानी तक पहुंचे मेरे चारसदा के गयूर पख्तूनो उस दिन चारसदा में मैंने तकरीर की तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि तकरीर में मैंने ये जिक्र करना मैं भूल गया कि जब पाकिस्तान में 9 मई के बाद जो फिजा जो जबर और कहर का समा कायम किया गया उसमें मैं पश्तूनों की खिदमत उनकी कुर्बानियों का जिक्र करता गया मैंने बताया कि ये वो जमीन है ये वो धरती है कि जिसने अली अमीन को पैदा किया जिसने असद कैसर को पैदा किया जिसने जुनेद अकबर को पैदा किया जिसने शकील खान को पैदा किया जिसने गुल जफर को पैदा किया जिसने शारियार अफरीदी को पैदा किया जिसने अली मोहम्मद को पैदा किया जिसने मुराद सईद को पैदा किया लेकिन ये भी हमारी धरती है पंजाब की जिसने सलम जावेद को पैदा किया जिसने खदीजा शाह को पैदा किया जिसने यास्मीन राशिद को पैदा किया जिसने इमरान रियाज को पैदा किया जिसने एजाज चौधरी को पैदा किया जिसने अरशद शरीफ शहीद को पैदा किया जिसने शेर अफजल मरवत को पैदा किया सुनो अच्छा सुने ये जो लोग मैंने गिनवाए ये जो मैंने गिनवाए गिनती के लोग एक दर्जन या डेढ़ दर्जन गोरा ये जलसा मजा नहीं करेगा अगर हम ज्यादा टाइम नारे में लगाने में सर्फ करें नारे लगाए तो मजमुई इज्तिमाई नारे लगाएंगे थोड़ा सा तकरीर सुन लो जिसके लिए हम जमा हुए हैं ये जो नाम मैंने गिनवाए ये एक दर्जन या डेढ़ दर्जन लोगों के हैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों क्या 25 करोड़ पाकिस्तानियों ने एक या डेढ़ दर्जन के बराबर मर्दों को जन्म दिया या ऐसी औरतों को जन्म दिया जो जुल्म और जबर के आगे डट गए क्या वजह है कि पाकिस्तानी और तमाम तबके फिक्र के लोग उस तरह इस आमिरियत के खिलाफ इस मार्शला के खिलाफ इस डिक्टेटरशिप के खिलाफ उस तरह कड़े ना हो सके जिस तरह गैरतमंद कौमें कड़ी हुआ करती है थोड़ा सा अगर चारसदा के गयूर पश्तूनों
نواز شريف كل اگر چور کے ماتھے پہ چور لکھا ہوتا تو نواز شریف کے پورے چہرے پہ لکھوا ہوا ہوتا شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس چور کو امپورٹ کر کے لائے اور اس سے پہلے اس کو حکومت دی خان کی حکومت کو سائفر کی وجہ سے فارغ کیا گیا 16 مہینے پی ڈی ایم نے حکومت کی کسی پاکستانی کو یار ذرا خاموش ہو جائیں یار نہ خاموش ہے دارو سوال سو رہا سوال کوئی دل غلے شکل ہے یار اب ذرا سنیں 16 مہینے پی ڈی ایم نے حکومت کی کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیسی حکومت تھی کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ چوروں کا ٹولہ تھا مہنگائی لائے بدامنی لائے پاکستان کے عوام سے بنیادی حقوق سلب کیے عدلیہ کو بے توقیر کیا پولیس اور ریاستی اداروں کو پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے پریس کانفرنس برائے بیان کروانے پی ٹی آئی کے لیڈروں کو اغوا کرنے پی ٹی آئی کے لیڈروں کے گھروں پہ چھاپے مارنے پی ٹی آئی کے لیڈروں کے کاروبار بند کرنے پہ یہ ارتھا محیط تا اور تاحال جاری ہے بات کرتے ہیں کہ